Hello friends, my name is Yamini. Welcome to my channel, Yamini Incredible Art. So friends and my dear loving students, in my last video, you have seen how to improve your sketching. Now here is my another video and here you can learn different types of shading. So friends, without wasting your time, let's get started. So friends, shading start करने से पहले हमें जरूरत पड़ेगी paper, pencil, शॉर्पनर, इरेजर. सो लेट स्टार्ट द शेडिंग ऑन पेपर. सो आर फर्स्ट शेडिंग इज स्मूथ शेडिंग. स्मूथ शेडिंग फ्रेंड्स, स्मूथ शेडिंग को जरूरी नहीं है सिर्फ स्मूथ शेडिंग बोला जाता है, कई लोग इसे स्मजिंग भी बोलते हैं और कई लोग इसे टोनल भी बोलते हैं. बट ऑल आर सेम, ये तीनों चीजें एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. बट अब ये शेडिंग करते कैसे हैं वो जानते हैं. जैसे मैंने पेंसिल ली और मैं इसको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे आदत है कि मैं पेंसिल को थोड़ा टिल्ट करके चलाती हूँ, तो मैं आपको उसी हिसाब से बता रही हूँ. इससे थोड़ा सा ये ब्यूटीफुल लगता है, मुझे ब्यूटीफुल लगता है. आपकी चॉइस है, आप इसको स्टैंडिंग ओवेशन में करो या आपकी चॉइस है आप इसको टिल्ट करके कीजिए, नो इश्यू. दिस इज कॉल्ड अ स्मूथ शेडिंग. स्मज और टोनल इसे कहते हैं, ये तीनों नाम एक ही है. अब जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि मैम हम जब ये वाली शेडिंग करते हैं तो हमसे होती नहीं है, वो कई बार लाइंस आ जाते हैं, कई बार पैचेस आ जाते हैं, तो वो सबके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी. जब आप रेगुलर करते, अब मान लीजिए मैंने कोई लीफ बनाई है, ये मैंने एक लीफ बनाई और मैं इस लीफ में यही करूंगी. बस ये ध्यान रखना है आपको लाइट टोन कहाँ देनी है, डार्क टोन कहाँ देनी है, आपको इसी के साथ शेडिंग करना है. ऐसे यही एक तरीका होता है शेडिंग का. ये हमारी बेसिक शेडिंग है जिसे ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, मतलब सभी लोग यूज करते हैं स्मूथ शेडिंग को. सो आर अनदर शेडिंग इज हैचिंग. हैचिंग, अगर आप गौर से इस नाम को देखो या सोचो, हैचिंग, हैच, हैच मतलब किसी चीज को खींचना, हैचिंग. अब हैचिंग के लिए आप कैसे पेंसिल को, पहले तो पेंसिल शार्पन होनी चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं, बस ये आपकी टोन्स होती है लाइक दिस. यहां पेंसिल रखा और सीधा एकदम से उसको झटके से प्रेस करके आगे की तरफ पुश कर दिया. अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये चीज है. हम लोग क्या करते हैं, कई मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो लोग क्या करेंगे, ये दिस इज रॉन्ग प्रोसेस. ये प्रोसेस होता ही नहीं है, ये हैचिंग होती ही नहीं है, ये नहीं होती है. हैचिंग होती है जिसमें आपकी जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत शार्पन हो. वैसे तो ये ऐसे होता है, ये ज्यादातर यूज होता है, वैसे तो हम इसे सारी शेडिंग्स में यूज कर सकते हैं, बट ये यूज होता है ज्यादातर हेयर्स में, एनिमल्स की बॉडी पे इस शेडिंग का बहुत यूज होता है. बस आपको लाइट एंड शेडो का ध्यान रखना है. लाइट एंड शेडो की क्लास में नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें जरूर बताऊंगी. दिस इज कॉल्ड अ हैचिंग. अब मान लीजिए मुझे कोई ट्री, कोई भी ट्री बनाना है, या मैं कोई लीफ बनाती हूँ, मैं ट्री बताती हूँ यहाँ पे. मान लीजिए ये आपका ट्री है, ये आपका ट्री है, ठीक है. आपको इसको भी पूरा हैचिंग से बनाना है ऐसे. इसमें जो आपको डेप्थ देनी है उसको डार्क, और जिसको आपको डेप्थ नहीं देनी है वो लाइट टोन में आ जाएगा. ये अनदर शेडिंग इज क्रॉस हैचिंग. क्रॉस हैचिंग, क्रॉस हैचिंग,
जैसे आप लोगों को मैंने अभी हैचिंग बताया, सेम प्रोसीजर होता है उसका क्रॉस हैचिंग का, बट फर्क इतना होता है क्रॉस मीन्स क्रॉस हैचिंग। आपको ये जो क्रॉस हैचिंग करनी है बिल्कुल हैचिंग की तरह से होती है, लाइक देखिए ऐसे, दिस वन इज हैचिंग, और जब यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस हैचिंग, और इसी से आपको पूरे सर्कल में क्रॉस हैचिंग करना है। ये ऐसे ही क्रॉस हैचिंग होता है, इसमें आपको अपनी टोन्स डार्क देनी है, जहां आपको डेप्थ दिखानी है वहां आपको अपनी पेंसिल को डार्क करके और वहां पे आपको क्रॉस हैचिंग देना, लाइक दिस। सो आर नेक्स्ट शेडिंग इज स्कम्बलिंग। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कई लोग इसको स्क्रिबलिंग भी बोलते हैं। स्क्रिबलिंग मीन्स किसी चीज में उलझना। छोटे बच्चों को अगर बोला जाए कि छोटे बच्चों को अगर हम समझाते हैं आज के टाइम में, तो अगर शेडिंग हमें, मैं अगर अपने बच्चों को बताती हूँ या मैं अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में समझाती हूँ या फिर अपने इंस्टीट्यूट में समझाती हूँ, तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ बेटा गुचड़ पुचड़ करना। बच्चे बहुत इजीली समझते हैं गुचड़ पुचड़ क्या होता है, उन्हें बोलो बेटा गुचड़ पुचड़ करना, दे आर डूइंग लाइक दिस। अगर हम उसे बोलेंगे स्क्रिबल करना वो सोचने लग जाएंगे मैम स्क्रिबल क्या होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ सिर्फ मैं बड़े सीनियर लोगों के लिए नहीं, मैं छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बना रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को मैं रेगुलर डील करती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ इस शेडिंग को हम स्कम्बलिंग, स्क्रिबलिंग एंड डूडलिंग ये सब कुछ बोलते हैं, और छोटे बच्चों की लैंग्वेज में गुचड़ पुचड़। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गुचड़ पुचड़ करना। हम गुचड़ पुचड़ में ही इस पूरे सर्कल को खत्म करेंगे लाइक दिस। गुचड़ पुचड़ इज फिनिश नाउ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ये स्कम्बलिंग होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा हमारे इंडियन आर्टिस्ट मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये अपनी जितनी पेंटिंग्स बनाते थे वो ऑलमोस्ट स्कम्बलिंग में ही, स्क्रिबलिंग में ही, इसी टेक्निक से वो अपनी पूरी पेंटिंग बनाते थे। इससे अगर हम अपने ट्रीज बनाए, इससे अगर हम इवन हम इससे पूरी एक पेंटिंग भी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो मैं ये सिखा रही हूँ उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। सो आवर नेक्स्ट टेक्निक इज स्टिपलिंग। स्टिपलिंग स्टिपलिंग STIPPLING स्टिपलिंग। स्टिपलिंग मीन्स किसी भी चीज को स्टिप करना। स्टिप मतलब चाहे आप इस पेंटिंग को पेन से बनाओ, स्केच पेन से बनाओ, इसे हम कई बार अपनी लैंग्वेज में डॉट पेंटिंग भी बोलते हैं। डॉट पेंटिंग, अगर हम इससे पूरी एक पेंटिंग बनाना चाहें तो हम इसको डॉट पेंटिंग भी बोलते हैं। मोस्टली जो बच्चों की बुक में होता है या फिर हम देखते हैं उनके पास स्केच पेन होते हैं, वो स्केच पेन लेते हैं एंड दे आर स्टार्टिंग लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड अ स्टिपलिंग। इवन जो इसकी आउटलाइनिंग्स हैं वो भी हम स्टिपलिंग से ही कंप्लीट करते हैं, हम इसकी आउटलाइनिंग नॉर्मल लाइन से नहीं करते हैं, स्टिपलिंग से ही हम ये पूरी ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं डेप्थ देने के लिए, जो इसके स्टिपलिंग्स के डॉटेड है ये बिल्कुल पास 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 पास, जब इसमें ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक टेक्निक निकल के आती है, इसे बोलते हैं स्टिपलिंग डॉट पेंटिंग। सो दिस इज आवर लास्ट टेक्निक इज कॉन्टोर शेडिंग। कॉन्टोर शेडिंग CONTOUR कॉन्टोर शेडिंग। कॉन्टोर मीन्स क्या होता है, लाइक आप इसको सबसे ज्यादा यूज करते हो हैंड शेडिंग में, मतलब अगर आप किसी की स्किन बना रहे हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जिस शेप में ड्राइंग जा रही है, जैसे अभी ये सर्कल है और अगर मुझे इसमें कॉन्टोरिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, ये कॉन्टोरिंग है लाइक दिस, ये पूरी ड्राइंग ऐसे ही फिनिश होगी ऐसे।
पूरा जैसे मैंने ये सर्कल में किया है ऐसे ही इसे बोलते हैं कॉन्टोर शेडिंग। मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, हम यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो हमारे लिए बड़ी यूजफुल होती है। आप मेरी भी वीडियो देख ही रहे होंगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करें, और आप चाहें तो मुझे पर्सनली इसको सेंड कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मुझे सेंड करना है, मैं आपको अपना नंबर ज़रूर शेयर करूंगी, आपकी मिस्टेक ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या थोड़ी सी भी ऐसी लगती है कि आपकी कुछ यूजफुल टिप्स हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।